आजकल हमारी ऐप्स पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसकी वजह से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हर दूसरे इंसान के साथ कोई स्कैम हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है कि हम लोग इनके बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि हम कौन से ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस ऐप के साथ स्कैम हो रहा है और जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है। तो ऐसे में स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो स्कैम्स हैं इनसे आपका जो प्राइवेट डेटा है वो लीक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, साथ में आपके डेटा का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब गवर्नमेंट ने एक नई ऐप लॉन्च की है और इस ऐप का नाम है एम कवच 2 ऐप। तो इस ऐप को आप अपने फ़ोन में बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप स्पेशली जितने भी स्कैम्ड ऐप्स हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसी के साथ ये आपके फ़ोन को सेफ़ बनाता है। तो इस ऐप में बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐप काम कैसे करता है। तो ये ऐप आपके फ़ोन को स्कैन करता है। ऐसे में जितने भी ऐप्स का आप इस्तेमाल करें अपने फ़ोन में, अगर उनमें कोई मैलवेयर है, साथ में कोई स्कैम हो रहा है, तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं। इसी के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में कुछ हिडन ऐप्स होते हैं जो खुद पे खुद डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन हम उन ऐप्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो ये जो ऐप है वो उन सारे हिडन ऐप्स को डिटेक्ट करके डिलीट करने में भी आपकी हेल्प करता है। जो ये पॉइंट है ये भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है इस ऐप का। साथ में अगर आपके फ़ोन में कोई इनबिल्ट प्राइवेट फाइल्स हैं या ऐसे कोई ऐप्स छुपे हुए हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं हैं, तो उसको भी ये डिटेक्ट करता है। और साथ में इसमें एक लॉक फीचर भी मिलता है जिससे आप अपने कुछ ऐप्स को लॉक करके रख सकते हैं, जिनमें आपके बैंक डिटेल्स होती है, पेमेंट ऐप्स होते हैं या कुछ पर्सनल मैसेजिंग ऐप्स होते हैं। तो एक ही ऐप में आपको इतने सारे इनबिल्ट फ़ीचर्स मिल रहे हैं। इसके साथ ही इस ऐप में बहुत सारे और भी सेफ्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ऐप है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन को सिक्योर रखेगा। तो ऐसे में अगर आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी लेयर देना चाहते हैं, तो इस ऐप का आप इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। सो एम कवच 2 ऐप को आप चाहें तो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली इस तरीके से जो आपका ऐप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाके आपको ओपन टैब पर क्लिक करना है और ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि इस ऐप में मिलते हैं, जैसे कि ऐप लॉकर आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे साथ ही हिडन एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें सिक्योरिटी फ़ीचर्स दिए गए हैं। तो देखते हैं काम कैसे करते हैं। तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ परमिशंस आपको देनी है इस ऐप में और इसके बाद आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे सिक्योरिटी फ़ीचर्स यहाँ पर एक तरीके से दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इस तरीके से ऐप का इंटरफेस है वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लीन इंटरफेस है। तो इस बटन पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप अपने पूरे फ़ोन को स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने फ़ोन को स्कैन कर लिया और इस तरीके का डेटा कुछ सामने आ रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में कुछ हिडन ऐप्स इसने बताए हैं कि ये हैं और साथ में ही ये कुछ हिडन ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन में हैं जिन्हें आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और सिक्योरिटी अपडेट देखना चाहते हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपको दिखा रहा है या सेटिंग में और भी फ़ीचर्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं और इस तरीके जो स्कैम्स होते हैं उनसे अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को अवेयर करने के लिए जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, और आमतौर पे ऐसे आपके बहुत सारे जानने वाले होंगे जिनके साथ आए दिन कोई स्कैम्स होते रहते हैं, तो उन लोगों को अवेयर करने के लिए इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल NBT Tech-ED को भी सब्सक्राइब करें।